ग्रहों के राजा सूर्यदेव का आपकी राशि में, आपके लग्न में नीच का होना किस तरह के प्रभाव देने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सूर्य में होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। लगभग 30 दिनों का इनका एक गोचर होता है। अभी तक सूर्य अपने मित्र राशि, सम राशि, कन्या राशि में विराजमान थे, जो कि बुध की राशि थी। लेकिन कन्या राशि में उनके साथ केतु थे और राहु से दृष्टिगत भी थे। अब सूर्य हो या चंद्रमा, ये तो ऐसे एक प्लैनेट हैं, ऐसे ग्रह हैं, जब इनका राहु केतु के साथ संपर्क होता है या उनके साथ होते हैं तो ग्रहण योग या पितृ दोष बन जाता है। अब जब तक ये कन्या राशि में थे तो राहु की सीधी दृष्टि थी, केतु साथ में विराजमान थे, तो पितृ दोष बना हुआ था हर एक राशि के लिए। लेकिन अब इस अक्टूबर माह में आने वाली 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और तुला राशि के लग्न में होगा। तुला राशि की ही मैं बात कर रही हूं, और तुला राशि के लग्न यानी कि आपके 12वें घर से निकलकर आपके लग्न में प्रवेश करने वाले हैं सूर्यदेव, जहां इनकी नीच की राशि होती है। सूर्य शुक्र के शत्रु हैं, सूर्य की शत्रु राशि है, और यहां अगर ये नीच के हो जाते हैं, कोई भी प्लैनेट, कोई भी जब नीच का होता है, अस्त होता है, तो उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। नीच का हो जाए तो जिन चीजों के वो कारक हैं उन चीजों में कमी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन कमियों को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं जो विशेष रूप से हर एक चीज के लिए कारगर होते हैं। तो उपाय की भी मैं बात करूंगी वीडियो के अंत में, जो निश्चित रूप से बिल्कुल आपके लिए सटीक होंगे और इन उपायों से आपको इस सूर्य के नीच होने के प्रभावों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सूर्य की हम बात करें तो देखिए, सूर्य क्या है? आत्मा के कारक है, पिता के कारक है। सूर्य वो प्लैनेट है जिसकी वजह से ये अस्तित्व है, ये जीवन चलता है, इसीलिए उनको ग्रहों का राजा भी कहा गया है। और हम अगर अपने आम जीवन में देखें, अपनी कुंडली में देखें, तो सूर्य हमारे बॉन्स की हड्डियों के कारक हैं, जिनके ऊपर हमारा शरीर खड़ा है। सूर्य हमारे मान सम्मान के कारक हैं, फेम देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊंची पदवी पर बैठता है तो सूर्य की वहां बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब में उच्च उपाधि पाता है तो वहां सूर्य की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मान सम्मान प्रसिद्धि पाता है, वहां सूर्य कारक होते हैं। अब सूर्य का ये जो तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य आपके लग्न में आ रहे हैं, साथ में बुध भी वहां विराजमान है और 29 अक्टूबर तक बुध यहाँ बैठे रहेंगे, तो बुध के साथ भी युति है, तो बुध भी कुछ चीजों को संभालने का कार्य करेंगे। लेकिन वो तो नीच के ही गए ना। अब नीच के प्लैनेट हैं तो थोड़े से उनके कारक तत्वों में, जो उनके कारक चीजें हैं, उनमें कमी देखने को मिलेगी। उपाय करेंगे तो वो भी आपको बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ सूर्य जो है 25 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। लगभग 12 दिनों तक ये राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, तब आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है, उपाय तब जरूर करने हैं। मैं आपको पूरे महीने के लिए उपाय बताऊंगा। चलिए हम पहले फल के बारे में जान लेते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के रिजल्ट देंगे। लग्न में बैठना, लग्न आपका पूरा व्यक्तित्व है, तो लग्न में अगर सूर्य आ जाते हैं तो पूरा प्रभाव हर एक चीज पर आपके उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सीधा आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके व्यापार पर प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव देखने को मिलेगा। कामों को लेकर कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, लेकिन फिर भी उस कॉन्फिडेंस में आप चीजों को गलत कर सकते हैं। एक होता है कि व्यक्ति बड़ा समझदार है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन डिसीजन कई बार ऐसे ले लेता है, ये ऐसी राह पर चल देता है जहां पता नहीं चलता। फिर कहते हैं ना लोग कि इतना समझदार व्यक्ति है, पता नहीं ऐसा कैसे काम कर दिया। तो ये वही प्लैनेट है जो ऐसी ऐसी स्थिति में बैठकर चीजों को गलत करवा देते हैं। डिसीजन लेते समय सावधानी रखनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको लगेगा आप सही हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी दूसरों की राय मशवरा जरूर ले लें, दूसरों से जरूर पूछ लें कि जो आप बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं। दोस्तों से कम मिले जुले, क्योंकि यहां दोस्तों से धोखा मिल सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में नोकझोंक की स्थिति, यानी कि मित्रों के साथ नोकझोंक हो सकती है, तो जितना कम मिलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि रिश्ते ना बिगड़े।
तो मित्रों से कम मिलना मिलाप रखें, बोलचाल रखें, हालचाल पूछें, बस इतने तक ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसों का लेन देन अगर अपने मित्रों के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाए, थोड़ा ध्यान दें कि चीजें ठीक है या नहीं। तो विशेष रूप से सावधानी ऐसी ही होती है कि आप सावधान रहिए, डराने की बात नहीं है। सबके लिए जरूरी नहीं कि ये चीजें हो। आपकी कुंडली में सूर्य बड़ी अच्छी पोजिशन पर बैठे हुए हो तो बहुत थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही हो और नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो, यानी कुंडली में नेगेटिव प्लेस में पापी ग्रह के साथ बैठा हो, 6-8-12 में बैठा हो, तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहां आपको सावधानी रखनी होती है, उपायों से बहुत प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कहूंगी, सूर्य देखिए प्रेम के कारक नहीं है, विवाह के कारक भी नहीं है। सीधे विवाह पर दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी के साथ बनाकर रखें, जीवन साथी के साथ बनाकर रखें, क्योंकि एक होता है क्रोध में ऐसी शब्दों का प्रयोग कर देना जो नहीं करना चाहते हैं, ये सारी चीजें क्रोध में ही होती है। तो जब भी बात करेंगे थोड़ा संयम से पेश आए, एक दूसरे की बातों को महत्व दें, एक दूसरे को महत्व दें, एक दूसरे की बातों को समझें, भावनाओं को समझें, बॉन्ड को अच्छे बनाने की कोशिश करें। बिजनेस में बात करूंगी, बिजनेस में लाभ होता दिख रहा है, लाभ तो होगा लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, लाभ होगा लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। आपके अंदर साहस भी होगा, दृढ़ता भी होगी और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे आपके हिसाब से, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, चीजों को सही तरीके से बस काम करना है। बाकी देखिए, ये आपके 11वें घर के स्वामी होते हैं, 11वां घर इच्छाओं का घर होता है, फ्रेंड सर्कल का भी है, तो 11वां घर इच्छाओं का है, इच्छाएं मन में होंगी, इच्छाओं को पूरा भी आप करना चाहेंगे और उनके लिए आप मेहनत भी करेंगे, तो बस थोड़ी सावधानी ही रखनी है, बाकी इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होंगी, थोड़े उपाय कर लेंगे तो जल्दी पूरी होंगी। इसके अलावा व्यापार में लाभ कमाने में सक्षम होंगे सावधानी रखते हुए, मैंने पहले ही शब्द बोला कि सावधानी से कार्य करना है, सावधानी रखते हुए सक्षम होंगे, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ एक अपने बॉन्ड को अच्छा बनाकर चलना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है, कई बार होता है हम लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और वो फिर हमारे विश्वास को तोड़ भी देते हैं, तो जब आपका पार्टनर अगर है, पार्टनरशिप में काम है, तो अपने विश्वास को बनाकर चलेंगे, साथ में ध्यान भी रखेंगे कि जिस काम को कर रहे हैं वो आप दोनों के समक्ष क्लियर है या नहीं, ध्यान प्रॉपर तरीके से देना है, एक पर ही नहीं छोड़ना है, थोड़ी सी सावधानी है बस, बाकी आपको व्यापार में लाभ भी मिलेगा, आप व्यापार में अच्छे कार्य भी कर पाएंगे, आपके अंदर साहस भी होगा, उस साहस का साहस की वजह से आप अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे, और ये सूर्य का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने वाला होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उपाय जरूर करें, क्योंकि जन्म पत्रिका में सूर्य कैसे हैं इसका नहीं पता, आप देखेंगे नेगेटिव हैं तो उपाय भी करने हैं, नहीं है तब भी उपाय करने हैं, क्योंकि अगर आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, सरकारी विभाग से जुड़े हुए कुछ कार्य है वो आपके पूरे हो सकते हैं, आपके जीवन में आपके जो जॉब में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो सकती है। अब हम उपायों की ही बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो सूर्यदेव को प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल देना शुरू करें, उसमें थोड़ी सी रोली डाल लें और सूर्यदेव को जल दें। दूसरा कार्य है कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे, जब भी निकलेंगे तो थोड़ा सा गुड़ खाकर निकले, इतनी महंगी चीज नहीं है, थोड़ा सा गुड़ लें और जब भी घर से बाहर निकले, काम के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ खाएं और अपने काम की शुरुआत करें, मुंह में रखकर निकल जाए। अब मंत्रों का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है किसी भी उपाय में, ज्योतिष के हिसाब से मंत्रों में वो ताकत होती है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं आपको। प्रतिदिन या तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अब आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके लिए मंत्र बताने वाली हूं जिनका आपको उपाय करना है, जिनका आपको एक माला दो माला जो आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर, क्योंकि आपके लग्न में गए हैं, लग्न में सूर्य आया, उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का हम सभी को पता है, लेकिन अगर आप इसके अलावा ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम ग्रणी सूर्याय नमः, ओम ग्रणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम राम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, सब आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। बीज मंत्र है सूर्य का, उसका जप करें,
या इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप करें। उपाय मैंने जो बताए हैं उनमें से जो उपाय आपको सही लगे वो उपाय कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का जप एक माला तो आपको प्रतिदिन जरूर करना है। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ करेंगे तो इन मंत्रों को करने की भी जरूरत नहीं है। और सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो इस कार्य को करें, और हो सके तो 4 रविवार पड़ेंगे इस सूर्य के गोचर की अवधि के दौरान, तो थोड़े से गुड़ और थोड़ा आटा इनका दान किसी भी ब्राह्मण को कर दे या फिर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दे। किसी भी एक उपाय को भी करेंगे तो भी चलेगा, उसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा मंत्रों का प्रभाव होता है मंत्रों का जप करने से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।